तो उस वक्त कहा था वो बरामदगी, उस वक्त कहा थे वो पेपर, वो कहा थी पुलिस, आज पुलिस को नजर आया। वजीर अला पंजाब को कहता हूँ, जो कहती है कि मैं बहुत इंसाफ पसंद हूँ, उसका इंसाफ कहाँ है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंसाफ कहाँ है? सदर पाकिस्तान का इंसाफ कहाँ है? और वजीर अला पाकिस्तान का इंसाफ कहाँ है? हम तो इंसाफ इन लोगों से भी मांगते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से भी मांगते हैं और अल्लाह ताला से भी मांगते हैं और अल्लाह के रसूल से मांगते हैं। हमारा इंसाफ अल्लाह और अल्लाह का रसूल करेगा इंशाअल्लाह। सर, क्या लगता है आपको कि आपको पाकिस्तान की हुकूमत से इंसाफ मिल पाएगा? पाकिस्तान का इंसाफ तो बिकता रहा हमेशा और आज भी बिक रहा है, मगर मैं फिर भी अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल के सदके कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी दुआएं रंग लाएंगी। जो मरने वाला है उसकी माँ और उसकी बहन और उसके बाकी बच्चों की लवाकीन की दुआएं इंशाअल्लाह रंग लाएंगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से हमें इंसाफ मिलेगा। भाई साहब, आप समझते हैं कि आपके घर से ज्यादती नहीं होगी? इन लोगों ने आपसे ज्यादती नहीं कर दी? एहसन शाह जैसे लड़के को छीन कर, मैं कह रहा हूँ, देखो मैंने पहले कहा है, अगर एहसन शाह का जरा सा भी कसूर है इस वाक्य में, उसकी इतनी सजा नहीं बनती थी। मैंने जब जो उससे पूछा या मुझे बताया गया, उसने कहा ला इला इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा बिलाल के कत्ल में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, मैं सऊदी अरब में था। जब आप सबको पता है कि वो सऊदी अरब में था, उम्रे की अदायगी के लिए गया हुआ था, मगर वो एक बंदे को शकी बनाकर कत्ल करवा देना कर देना है इतनी बड़ी। कॉल वाले जो मामला थे, वीडियो कॉल वाले मामला, वीडियो कॉल करके वो पहले पूछता है कि आपने असला रखा है अपने पास या नहीं, हाजी साहब उधर असला ना लेके जाएं, ये क्या मामला है? क्यों सर नीचे करो बात। यह वीडियो कॉल जो सऊदी अरब से की गई, उसके दूसरे दोस्त की किसी टेलीफोन पर किया गया, ठीक है। अगर एहसन शाह के फोन से किया गया और बिलाल का फोन सामने लाए ना, पुलिस दोनों के फोन सामने लाए, चेक कर ले किसके फोन से बातें हुई हैं। यार असल मेन तो जो कातिल है उनको छोड़ दिया गया है और साइड से एक नई गली निकाल के तो उसको पटे चढ़ा दिया है। ये इंसाफ है पाकिस्तान का? हम जजों को भी कहते हैं, सदर पाकिस्तान को भी कहते हैं और पाकिस्तान की जो इंतजामिया है उनको भी कहते हैं, वजीर दाखिला साहब को भी कहते हैं, मोहसिन नकवी साहब पुलिस को देखो ये क्या कर रही है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी देख रहा है इंशाल्लाह। एहसन शाह से आपकी आखिरी बात क्या हुई थी, जब मुलाकात हुई तो? आखिरी बात मेरी तो कोई नहीं हुई, मेरी उसकी वालदा जो मेरी भाभी है उनकी बात आज 12:30 बजे हुई है और 12:30 बजे उसने खुद कहा है कि मामा आप मुझे छोड़ें, रोटी खाना का छोड़ें, पैसे आपने जो देने हैं ये छोड़ें, आप बाहर जाएं, बड़े बड़े पुलिस अफसरों के पास जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मुझे शकील भट्ट साहब पुलिस वाले लेने आए हैं और मुझे खतरा है, मेरे साथ कुछ होने वाला है। तो ये उसने आखिरी बातें की हैं अपनी वालदा के साथ। हमारी कोई बात नहीं, हम तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बात कर रहे हैं, वहाँ पर दुआएं कर रहे हैं, हमारी किसी से कोई डील नहीं। ये हुआ कि जनाजा जो हम खराब नहीं करना चाह रहे और जनाजे को हम टाइम से इंशाल्लाह 11 बजे यहाँ पर जनाजा कराएंगे और मियानी साहब दफना देंगे। कोई अमन अमान ने कुछ कोई अमन अमान को कोई खराब करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, किसी किस्म का कोई लाया अमल नहीं हमारा। जो हमने करना है अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल पर छोड़ दिया हमने, इसके अलावा कोई हमने कुछ नहीं करना। जो करेगा वो हमारे में से नहीं है, अमन अमान को जो खराब करेगा हमारा कोई उसके साथ तल्लक या रिश्ता नहीं है। आपका कहना है कि बिलाज के मर्डर में एहसन शाह का कोई किरदार नहीं? देखो जी, मैंने पहले कहा है कि मुझे जो उसने कहा, जो मैंने सुना कि उसने कलमा पढ़ के कहा कि मेरा बिलाज के कत्ल में किसी किस्म का कोई अमल नहीं है, मगर मैं जाती तौर पर उसको खुद नहीं मिला आज तक, मगर जो उसकी वालदा ने बताया, बाकी लोगों ने बताया कि यही बताया कि उसके साथ कोई अमल दखल नहीं। आज उसने बताया कि मेरे पुलिस लेने आई है, मुझे खतरा है कोई ना कुछ होगा, आप पुलिस वालों को कहें और वकील को कहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मुझे बचाएं। सर, मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि एहसन शाह के साथ जो भी सानिया हुआ, इसके पीछे कौन है, किसने ये तमाम जो है काम करवाया? ये मैं क्या बता सकूं, मेरे जादूगर तो है नहीं, बाकी पाकिस्तान का कानून आप भी अच्छी तरह जानते हो और इस मामले को भी आप अच्छी तरह जानते हो कि पीछे इसके कौन है। इल्जाम अली रजा पे लग रहा है, जो सका अली रजा का कोई तल्लक नहीं है उसका, मैं कुरान यहाँ पर उठाने के लिए तैयार हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपने कहा देखें कि आप पहले अली रजा इस तरह का बंदा ही नहीं, उसने कभी पिस्तौल हाथ में पकड़ा हो। उस टाइम कहाँ था अली रजा? तो बच्चे को मिलके आया सुबह दोपहर 12:30 मिलके भी आया, मिलके आया। उस वक्त अपने घर था, इस वक्त इधर ही था।
अपने घर था, उसको तो यहाँ पर टीवी पे टिकटॉक वालों ने पता लगाया तो उसको पता लगा। क्या आप कोई कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे आप? कानूनी कार्रवाई देखो ये अभी हमने कोई फैसला नहीं किया, हम देखेंगे फैसला करेंगे, बिरादरी बैठेगी, लोग बैठेंगे, जो फैसला सारे लोग मिलकर करेंगे वो करेंगे इंशाल्लाह। अपील करना चाहेंगे पंजाब हुकूमत से, आला गवर्नमेंट से अपील करूंगा, हमें इंसाफ चाहिए, ना हक बच्चा मरा है और बाकी बच्चों को खतरा है, जिंदगी का जान का खतरा है, हम बाकी घर वालों को सेव करना चाहते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते तमाम हुकूमतें पाकिस्तान को अपील करते हैं कि बाकी घर वालों को तफस दिया जाए। तमाम भाई जो है वो इस टाइम जनाजे में शिरकत करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया।